नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेज आपका स्वागत करता हूं टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल द स्टूडेंट एंड आई होप सो आप सभी लोग बिल्कुल फिट एंड फाइन होंगे। और मैं आज आप लोगों के लिए एक बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की यहां पर लेकर आया हूं। जी हां, हम बात कर रहे हैं आज डॉक्ट्रिन ऑफ लिस्पेंडेंस के बारे में। अब आखिरकार क्या है? हो सकता है कुछ लोगों ने पहली बार इस शब्द को सुना हो, डॉक्ट्रिन ऑफ लिस्पेंडेंस। देखिए दोस्तों, कई बार देखने को मिलता है कि जब किसी प्रॉपर्टी पर कोई केस चल रहा होता है और इसी बीच उस प्रॉपर्टी को केस के बीच में ही बेच दिया जाता है, तो इस स्थिति में कानून क्या कहता है, कानूनी प्रावधान क्या कहते हैं, उसी चीज को बोला जाता है डॉक्ट्रिन ऑफ लिस्पेंडेंस, जो सेक्शन 52 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में दिया गया है। और आज मैं यहां पर वो सेक्शन 52 भी आपको क्लियर करूंगा, ऐसी स्थिति में कानून क्या कहता है वो भी क्लियर करूंगा, इसके अलावा दोस्तों एक बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट जो हमारी यहां पर आई है वो भी मैं क्लियर करके देने वाला हूं। मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि अगर आप चाहते हैं कि मैं रोजाना यहां पर इसी प्रकार से हर इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहूं, तो आप तुरंत टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबा दें। चलिए दोस्तों, अब हम अपना आज का सेशन यहां पर स्टार्ट करते हैं। देखिए डिस्प्ले पर आपको सेक्शन 52 दिखाई दे रहा है जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का है। सेक्शन 52 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। अगर इसको हम थोड़ा सा ऊपर से आपको समझाएं, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि बाद में भी आप इसको साफ साफ देख सके। देखिए सेक्शन 52 क्या कहता है, जितना मैं समझा उतना समझिएगा, आसानी रहेगी समझने में। ड्यूरिंग द पेंडेंसी इन एनी कोर्ट, यानी कि जब कभी भी किसी कोर्ट में कोई केस पेंडिंग पड़ा है, जहां पर वो जो केस है, जो प्रोसीडिंग है, वो कोल्यूजिव नेचर की ना हो। कोल्यूजिव मतलब बेवजह केस डाल दिया, कोर्ट डिसमिस कर दे, वो कोल्यूजिव नेचर हो गया। जी नहीं, जो केस कोर्ट में पेंडिंग पड़ा है वो कोल्यूजिव नेचर का नहीं होना चाहिए। इसके अलावा उस केस के अंदर किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी कि अचल संपत्ति जैसे कि खेत, प्रॉपर्टी, फ्लैट, उस पर किसी के अधिकार को डायरेक्टली या स्पेसिफिकली क्वेश्चन कर रखा है, मतलब कि सिंपल समझे कि किसी का प्रॉपर्टी पर जो मालिकाना का अधिकार है उसको कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है, अगर ऐसा कोई कोर्ट में केस चल रहा है तो सेक्शन 52 कहता है, क्या कहता है कि उस प्रॉपर्टी को क्या नहीं किया जा सकता, केस के बीच में ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। इसी को बोला जाता है डॉक्ट्रिन ऑफ लिस्पेंडेंस, मतलब कि भाई अगर एक बार कोर्ट में केस चल गया तो आप उस प्रॉपर्टी को बीच में नहीं बेच सकते, यह सीधा सीधा कानून कहता है। पर टाइम टू टाइम सुप्रीम कोर्ट की यहां पर जजमेंट आती रही है, जैसे कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की एक काफी बड़ी जजमेंट है एचपी वेद व्यासा 4। जो हमारे टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग से जुड़े हैं तो उनको पता होगा कि यह जजमेंट मैं पहले ला चुका हूं। यहां पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि देखो अगर किसी ने प्रॉपर्टी बीच में बेच दी तो हम उस सेल को अवैध नहीं ठहराएंगे। क्या बोला गया कि वो जो प्रॉपर्टी बेची है उसको वॉइड नहीं ठहराया जा सकता, उसको अवैध नहीं ठहराया जा सकता, पर एक काम कर देंगे, जो उस प्रॉपर्टी को खरीद रहा है कल को कोर्ट का जो भी निर्णय आएगा उस खरीदने वाले को वो निर्णय मानना पड़ेगा। मतलब कि जिससे उसने प्रॉपर्टी खरीदी है अगर वो कल को केस जीत गया तो जो नया खरीदार है वो मालिक बन गया, और कल को अगर वो केस हार गया जिससे उसने प्रॉपर्टी खरीदी थी तो मतलब ये नया खरीदार भी कोर्ट केस हार गया। मतलब कोर्ट की जो भी डिक्री या जजमेंट आएगी वो उस नए परचेजर पर जिसको ट्रांसफर ही बोला जाता है उस पर भी बाउंड होगी। वो अपने आप को ये नहीं कह पाएगा कि मेरी क्या गलती है, मुझे नहीं पता था कोर्ट केस चल रहा है, मुझे इस चीज की जानकारी नहीं दी गई थी, ऐसा कोई भी बचाव वो अपना नहीं ले पाएगा। अब इसी चीज को मैं कुछ रेलेवेंट जजमेंट डिस्प्ले पर दिखाकर आपको क्लियर कर दूं ताकि आपको पता लग जाए कि टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग हवा में बातें नहीं करता, यहां पर दी गई हर एक जानकारी 100% सच होती है। देखिए पहला केस लो है हमारा संजय वर्मा वर्सेस मनी क्रॉय 2006-13 SCC 608 हमारा यहां पर इसका साइटेशन नंबर है। इसमें बोला गया कि देखो जो कोई भी ट्रांसफरी है, ट्रांसफरी कौन है, जो प्रॉपर्टी को बीच में खरीद रहा है वो बाउंड होता है। किस चीज के ऊपर बाउंड होता है, कोर्ट की डिक्री के ऊपर, मतलब कोर्ट ने जो केस में फैसला दिया है अपना और जिस व्यक्ति ने केस के बीच में प्रॉपर्टी खरीदी है वो उस फैसले में बाउंड हो जाएगा और वहां पर उसके लिए कोई भी गुड फेथ या बोनाफाइड परचेजर वाला चीज राइज नहीं करेगी। मतलब वो ये नहीं कह पाएगा कि मुझे नहीं पता था प्रॉपर्टी पर केस चल रहा है, वो ये नहीं कह पाएगा कि मुझसे छिप छिपाकर प्रॉपर्टी बेची गई है, ऐसा कोई भी राइट उसका नहीं सुना जाएगा। आगे बढ़ते हैं, एक अगला केस लो है गुरुस्वामी नदार मसीज पी लक्ष्मी अम्मल 2008-5 SCC 796 इसका साइटेशन नंबर है। यहां पर बोला गया कि जो प्रिंसिपल ऑफ लिस्पेंडेंस है ये वहां भी एप्लीकेबल होगा
अगर एक व्यक्ति जो ये बोल रहा है कि मैंने जो ये परचेज करी है वो गुड फेथ में करी है, मुझे तो नॉलेज नहीं थी, मुझे तो छिपाकर इन्होंने प्रॉपर्टी बेची है कि केस चल रहा है, ऐसा कोई भी डिफेंस उस नए खरीदार के लिए वहां पर नहीं होगा। ये डॉक्ट्रिन ऑफ लिस्पेंडेंस उसके ऊपर भी बाउंड होगा और उसको भी कोर्ट का फैसला मानना पड़ेगा। एक और जजमेंट है, चंद्रमान डेड थ्रू लीगल रिप्रेजेंटेटिव शेर सिंह वर्सेस मुक्तियार सिंह एंड अदर्स, ये भी काफी बड़ी जजमेंट थी। ध्यान दीजिएगा, इस केस लॉ में यही बोला गया था कि अगर एक बार यह मान लिया गया कि जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर की गई है वो गलत तरीके से की गई है, केस के बीच में की गई है, बिना कोर्ट से परमिशन लेकर की गई है, तो यहां पर जो उस प्रॉपर्टी को खरीद रहा है और ये बोल रहा है कि मैं तो बोनाफाइड परचेजर हूं, मैंने तो प्रॉपर पैसा देकर प्रॉपर्टी खरीदी है, मुझे तो छिपाया गया था, मुझे राइट मिलना चाहिए, मेरा तो सेक्शन 41 में अधिकार बनेगा प्रोटेक्शन का, यहां पर बोला ऐसा कोई अधिकार उनको नहीं मिलेगा, यहां पर उनको कोर्ट का निर्णय मानना पड़ेगा अगर वो उनके खिलाफ जा रहा है। अब दोस्तों ये है हमारी बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट। एक बार केस टाइटल ध्यान दें, सिंगारा सिंह जो यहां पर हमारे अपीलियंट है वर्सेस दलजीत सिंह एंड अदर्स जो यहां पर हमारे रिस्पोंडेंट है, इसका सिविल अपील नंबर है 5919 ऑफ 2023 और 14 अक्टूबर 2024 की हमारी ये जजमेंट है। इससे अंदाजा लग ही गया कि बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट आपको टेस्ट बुक सुपर कोचिंग पर हमेशा मिलती है। नाउ यहां पर जो ये मैटर अराइज हुआ है ये एग्रीमेंट टू सेल को लेकर हुआ है। एग्रीमेंट टू सेल जब प्रॉपर्टी को बेचने से पहले एग्रीमेंट बनाया जाता है उसमें टर्म्स कंडीशन लिखी जाती है उसके लिए। ये एग्रीमेंट टू सेल बनाया गया था 17 अगस्त 1990 में और यहां पर साल 1992 में यानी कि करीबन देखा जाए तो 2 साल बाद ये केस डाल दिया गया जहां पर व्यक्ति कह रहा है कि उस एग्रीमेंट के बाद दूसरी पार्टी ने मेरे नाम पर रजिस्ट्री नहीं करी और कोर्ट वहां पर मेरे नाम रजिस्ट्री कराए, इसीलिए उसने स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का केस डाला। अब डिफेंडेंट ने वहां पर मना कर दिया, उन्होंने कहा कि मैंने तो कोई ऐसा एग्रीमेंट बनाया नहीं है, तो 1990 का जो एग्रीमेंट है झूठा एग्रीमेंट है, मना कर रहा है दूसरी पार्टी। अब डिफेंडेंट ने क्या किया, केस के बीच में ही वो प्रॉपर्टी बेच दी गई किसी और को और जिसने वो प्रॉपर्टी खरीदी है उसने खुद को केस के बीच में पार्टी बनाकर एड करा और यह बोला कि देखो 8/1/1993 में मुझे प्रॉपर्टी बेची गई है और मुझे इस चीज की बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी, मैं तो बोनाफाइड परचेजर हूं, मुझे यह बताया ही नहीं गया कि यहां पर पहले एक एग्रीमेंट कर रखा है 1990 में और मुझसे छिप छिपाकर यह प्रॉपर्टी बेची गई और मैंने तो पूरा पैसा दे दिया, अब मेरा अधिकार बनना चाहिए यहां पर। अब देखते हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट में क्या कहा। हमारे ऑनरेबल जस्टिस की जो बेंच थी हरि कृष्ण रॉय एमपी के मिश्रा, उन्होंने इस मैटर को सुना। यहां पर बोला गया कि देखो भाई अगर एक बार जो प्रॉपर्टी बेची गई है वो डॉक्ट्रिन ऑफ लिस्पेंडेंस के अंदर हिट हो रही है, मतलब कि सीधी सीधी बात है कि प्रॉपर्टी को केस के दौरान बीच में बेचा गया है, तो यहां पर जो प्रॉपर्टी को खरीदने वाला है उसके लिए बोनाफाइड परचेजर का कोई भी डिफेंस नहीं होगा। वो ये नहीं कह सकता कि मुझे इस चीज की जानकारी नहीं थी, लैक ऑफ नोटिस था कि प्रॉपर्टी पर पहले कोई एग्रीमेंट हो रखा है, मुझे नहीं बताया गया, और ऐसा कोई भी डिफेंस उसका लेने का अधिकार नहीं होगा। यह चीज बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में क्लियर कर दी, जो यहां पर मैं आज आप लोगों को रेलिवेंट जजमेंट के साथ क्लियर कर रहा हूं। अब दोस्तों यहां से आपको कानून क्लियर हो गया सेक्शन 52 क्या कहता है, उससे जुड़ी मैंने लेटेस्ट जजमेंट और 4 अन्य जजमेंट और क्लियर करी ताकि आप लोग यह जान पाए कि मैं दीपक शर्मा अंग्रेज यहां पर हमेशा हर एक जानकारी बिल्कुल रेलिवेंट पॉइंट के साथ आप लोगों को क्लियर करके देता हूं। अब मेरा छोटा सा अनुरोध है, वीडियो को तुरंत लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपना वैल्यूएबल कमेंट लिखें कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती है, किस टॉपिक पर आप वीडियो पाना चाहते हैं और आप टेस्ट बुक सुपर कोचिंग से कब से हमारे साथ जुड़े हैं। तो चलिए फिर किसी दूसरे वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे जहां पर इसी प्रकार से कानून को मैं सिंपल सी सिंपल लैंग्वेज में डिटेल में आपको समझा